तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं केवाईपी ऑनलाइन कैसे करते हैं। फ्रेंड आज हम 2023 में बताने वाला हूं मैं आपको कि केवाईपी के लिए फ्रेंड आप कैसे जो है कि फॉर्म को फिल करेंगे आप खुद से, क्योंकि फ्रेंड अभी के टाइम पे जो कि बिहार सरकार ने जो कि सिस्टम लागू किया हुआ है कि अगर आप केवाईपी नहीं करते फ्रेंड तो आपको जो है कि इंटर हो या मैट्रिक को इसका मार्कशीट आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड अभी सभी स्टूडेंट के लिए केवाईपी करना अनिवार्य हो गया है। तो अब बहुत सारे जो कि डीआरसीसी में काफी ज्यादा भीड़ लगता है, जिसकी वजह से कैंडिडेट को काफी ज्यादा जो कि परेशानी होता है और कभी कभी तो उसको घूम के भी आना पड़ता है। तो इस केस में फ्रेंड मैं आपके लिए जो कि एक वीडियो ला रहा हूं और आप वीडियो को फ्रेंड पूरा देखेंगे, चैनल पे फ्रेंड नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड मेरे चैनल पे आपको हर दिन एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मिलते रहता है और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड इसको कैसे फॉर्म को फिल करना है केवाईपी के लिए फ्रेंड आप खुद से घर बैठे इजिली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस फ्रेंड आपको वीडियो को पूरा देखना है और अच्छी तरह से समझना है और मैं अच्छी तरह से बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आपको केवाईपी के लिए ऑनलाइन करना है। सबसे पहले फ्रेंड आपको जो कि इस वेबसाइट पे आना है, आप जो कि साथ नीचे सर्च करेंगे गूगल में कोई भी, आप लैपटॉप मोबाइल इजिली कहीं भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं आपको जो कि सात निश्चय यहाँ पे सर्च करना है, देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड। इस तरह से इसको सर्च करेंगे फ्रेंड, फर्स्ट में ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यहाँ पे देख सकते हैं MNSSBY का जो कि ऑप्शन देखने के लिए मिलता है फ्रेंड। तो आपको इस वाले साइट पे क्लिक करना है। ये फ्रेंड गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ से आपको सारा चीज एक्सेस मिल जाता है, देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड इस वेबसाइट पे आएंगे, इस तरह से डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है आपको फ्रेंड। यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है फ्रेंड, सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे, इस पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ से आपका जो कि केवाईपी के लिए आपको ऑप्शन देखने के लिए मिला, देख सकते हैं अभी फ्रेंड इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है। बट फ्रेंड अभी आप इसमें फ्रेंड आप जैसे डिटेल्स फिल करते जाएंगे आपको कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड कैंडिडेट का यहाँ पे नाम देना है आपको जो है कि उसका क्या नाम है, फर्स्ट नेम बताना है, उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे फ्रेंड आपका नाम ABC है तो फर्स्ट में ए, सेकंड में बी और लास्ट में जो कि सी डालेंगे, इस तरह से नाम को फिल करेंगे। नहीं तो फ्रेंड अगर आपका जो कि सिंपली फर्स्ट और लास्ट है तो सिंपली आप जो कि फर्स्ट नेम में देख सकते हैं, इस तरह से अगर आपका जो भी नाम है इस तरह से आप यहाँ पे जो कि फिल करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना जो कि ईमेल आईडी बताएंगे फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ से आपको एक्टिव ईमेल आईडी देना है फ्रेंड। उसके बाद आपको यहाँ से अपना आधार नंबर फ्रेंड फिल करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी फ्रेंड जैसे करेंगे आपको ईमेल और मोबाइल पे दोनों पे फ्रेंड जो कि ओटीपी चले जाता है फ्रेंड। इस वाले ऑप्शन को फ्रेंड आपको नो रखना है अगर केवाईपी के लिए फ्रेंड ऑनलाइन कर रहे हैं तो। आपको जो कि कहीं भी छेड़खानी नहीं करना है किसी भी तरह का, आपको मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं बस आपको ओनली फॉर वही करते हुए जाना है। आप सिंपली फ्रेंड जैसे सारा डिटेल्स डाल के यहां पे सेंड ओटीपी पे करते हैं, आपका जो कि मोबाइल नंबर और ईमेल पे दोनों में एक साथ ओटीपी चले जाता है। सिंपली फ्रेंड यहाँ पे दोनों का ओटीपी फिल करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से फ्रेंड अपना सारा डिटेल्स को फ्रेंड फिल करने के बाद सिंपली फ्रेंड आपको यहाँ पे जो कि सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करना है। ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्लीज वेट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद फ्रेंड सिंपली आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड आपको मोबाइल ओटीपी फिल करना है, ईमेल ओटीपी फ्रेंड फिल करना है। इन दोनों को यहाँ पे फ्रेंड फिल करने के बाद मैं आपको आगे प्रोसेस दिखाता हूँ। इस तरह से फ्रेंड अपना ओटीपी फिल करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर का, ईमेल आईडी का, पहले फ्रेंड आपको मोबाइल का ओटीपी फिल करना है, उसके बाद ईमेल का ही फिल करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको स्कीम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं BSCC या फिर जो कि SHA KYP। तो आपको फ्रेंड सिंपली यहाँ पे KYP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रेंड, देख सकते हैं KYP वाले ऑप्शन को फ्रेंड सेलेक्ट करेंगे सिंपली। उसके बाद देख सकते हैं उसके बाद यहाँ से सारा चीज हट जाता है फ्रेंड, आपको कहीं भी किसी भी तरह का चेंजेस नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ पे जो कि सबमिट वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक कर देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे फ्रेंड, ओके करेंगे फ्रेंड, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे जो कि आपको मैसेज जाएगा रजिस्ट्रेशन का, आपको वहां से एक पासवर्ड और आईडी भेजा जाता है फ्रेंड। आईडी फ्रेंड आपका ईमेल आईडी ही होता है और पासवर्ड भेजा जाता है फ्रेंड, सिंपली उस पासवर्ड से लॉगिन करना है और उसके बाद एक नया पासवर्ड बनाना है। नया पासवर्ड फ्रेंड कैसे बनाना है मैं आपको आगे दिखा दूं। देख सकते हैं फ्रेंड यहां पे आपको जो कि देखने के लिए मिल जाता है यू आर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, देख सकते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए आपको ईमेल आईडी चेक करने के लिए यहां पे बोला जा रहा है फ्रेंड। सिंपली आपको जो कि गो टू होम पेज वाले पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, यहां से वापस यहां पे आ जाएंगे। आपके जो मोबाइल नंबर पे फ्रेंड पासवर्ड आया है सिंपली अपना यहां पे ईमेल आईडी को फिल करेंगे, जो अपने ईमेल आईडी डाला हुआ है, उसके बाद जो पासवर्ड आया उसको डाल के कैप्चा डाल के फ्रेंड सिंपली यहां पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड आप इस तरह से अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, जो आपको मैसेज आए फ्रेंड, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, सिंपली यहां पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करेंगे फ्रेंड, देख सकते हैं आपको यहां पे फ्रेंड देखने के लिए फिर से मिल जाता है आपको चेंज पासवर्ड के लिए बोला जाता है रीसेट करने के लिए। सिंपली फ्रेंड आपको इंटर द ओल्ड पासवर्ड, जो फ्रेंड आपको मैसेज में फ्रेंड पासवर्ड आया उसको यहां पे टाइप करना है, उसके बाद फ्रेंड आपको नया पासवर्ड बनाना है और फिर से लॉगिन करना है। यहां पे कंफर्म पासवर्ड करेंगे, उसके बाद यहां पे सबमिट करेंगे फ्रेंड। पासवर्ड कैसे बनाना है फ्रेंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां पे देख करके आप इजीली पासवर्ड को बना लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड। पासवर्ड फ्रेंड जैसे बना के सबमिट करेंगे फ्रेंड आपके सामने देख सकते हैं यहां पे आपको जो है कि रीसेट पासवर्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड। सिंपली आपको यहां पे प्लीज लॉगिन के लिए बोल रहा है अगेन, आपको यहां पे क्लिक करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रेंड। वापस आप यहां पे आ जाएंगे। अब फ्रेंड आपको वही ईमेल आईडी डालना है जो आपने जो कि ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद जो आपने पासवर्ड फ्रेंड बनाया नया वाला पासवर्ड, और यहां पे कैप्चा डाल के सिंपली लॉगिन करेंगे। इस तरह से फ्रेंड अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड आपने जो नया बनाया वो डाल के कैप्चा डाल के सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद देख सकते हैं आपको सामने यहां पे कैंडिडेट का फ्रेंड साइड में नाम देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड यहां से आपसे जो कि कुछ डिटेल्स बेसिकली
डिटेल्स मांगा जाता है 10 क्लास का, आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है। आपको फ्रेंड यहाँ पे बोर्ड बताना है कि आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास आउट किया है, सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड या जो कि आपका बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड है, आपका फ्रेंड जो भी बोर्ड है या अदर है तो अदर डाल के यहाँ पे नाम फिल कर सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड इनमें से जो भी आपका बोर्ड है सिंपली उस बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना जो कि रोल नंबर लिखेंगे, अपना यहाँ से रोल कोड लिखेंगे फ्रेंड, उसके बाद यहाँ से जो कि सिलेक्ट रेगुलर टाइप बताएंगे आप रेगुलर हैं या फिर जो कि सप्लीमेंट्री वाले हैं, तो आप जो भी फ्रेंड यहाँ से अगर सब रेगुलर है रेगुलर चूज करें, रोल कोड रोल नंबर फिल करेंगे फ्रेंड, आपका सारा डिटेल्स और पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करें, किस साल आपने पास आउट किया है यहाँ से बताएंगे आप अपना किस साल पास आउट किया वो बताएंगे, आपका जो है कि यहाँ पे जो स्कूल नेम फादर्स नेम मदर्स नेम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। रोल कोड रोल नंबर पासिंग ईयर अपना जो कि पासिंग ईयर फ्रेंड यहाँ पे जैसे बताएंगे और यहाँ पे रेगुलर वाले को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं आपका फ्रेंड यहाँ पे स्कूल का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से पूछा जाता है अगर आप जो इंटर पास आउट फ्रेंड यहाँ पे जो कि यस करेंगे, अगर नहीं तो फ्रेंड सिंपली नो करेंगे। अगर इंटर का भी डिटेल्स फ्रेंड है तो आप चाहे यहाँ पे जो कि डाल सकते हैं, देख सकते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे जो कि बोर्ड बताना है, रोल नंबर बताना है, आपको यहाँ पे रोल कोड बताना है, उसके बाद यहाँ से पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है फ्रेंड, इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है, आपका सारा चीज फ्रेंड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं तो फ्रेंड सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। मैट्रिक और इंटर वाले के लिए मैं फ्रेंड अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा फिर से जो है कि मैट्रिक और इंटर का डिटेल्स फिल करके आप कैसे फॉर्म को फिल करेंगे सारा चीज को लेके, तो मैं अभी से मैट्रिक को लेवल पे बता रहा हूँ आपको मैट्रिक लेवल पे कैसे फॉर्म को फिल करना है। सिंपली यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं आपको यहाँ पे इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मदर्स नेम का फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम चाहे तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड आप छोड़ सकते हैं। मदर्स नेम जो कि फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शनल रहता है तो आपकी मर्जी फ्रेंड, आप चाहे तो दे सकते हैं नहीं तो फ्रेंड छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको जो है कि अपना डेट ऑफ बर्थ और एज वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड, स्क्रॉल करके फ्रेंड नीचे आएंगे, यहाँ से फ्रेंड आपका जेंडर सेलेक्ट होता है ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ से मैरिड स्टेटस बताना है, आप सिंगल है मैरिड है तो आप यहाँ पे सिंगल चूज करेंगे फ्रेंड। अगर डिसेबिलिटी कोटा से अगर आप आते फ्रेंड फिजिकली डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको कैटेगरी बताना है, आपका कैटेगरी फ्रेंड क्या आता है वो बताएंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आपको बैंक डिटेल्स फिल करना है, बैंक का यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करेंगे, बैंक का नाम फ्रेंड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं इस तरह से आपको जो कि बैंक का नाम देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड ब्रांच का नाम बताएंगे, आपका ब्रांच कहाँ था फ्रेंड, बैंक का ब्रांच आपको जो कि पासबुक पे लिखा हुआ मिल जाएगा सभी चीज फ्रेंड। आपको यहाँ से IFSC कोड फ्रेंड यहाँ पे टाइप करना है, उसके बाद फ्रेंड नीचे आते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना एड्रेस बताएंगे फ्रेंड, आप रूरल आते हैं या अर्बन फ्रेंड, आप जो कि गाँव या शहर से आते हैं तो फ्रेंड से अगर सिर्फ गाँव से आते हैं तो ये वाले रूरल को चूज करेंगे, अगर शहर से आते हैं तो अर्बन चूज करेंगे। उसके बाद फ्रेंड आपका स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट आता है, आपको यहाँ से फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट बताना होता है, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, आपका फ्रेंड यहाँ से ब्लॉक कौन सा आता है फ्रेंड आप अपने अकॉर्डिंग ब्लॉक बताएंगे। उसके बाद फ्रेंड आपका पिन कोड क्या, पिन कोड को फिल करेंगे, आपका फ्रेंड हाउस नंबर रोड नंबर क्या है वो यहाँ पे बताएंगे, देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह से आप चूज करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे अर्बन में था यहाँ पे रूरल करेंगे फ्रेंड तो आपको यहाँ पे पंचायत देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सारा चीज को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद विलेज यहाँ पे बताएंगे, पोस्ट ऑफिस फ्रेंड कहाँ बताएंगे, पिन कोड यहाँ पे टाइप करें। अगर फ्रेंड आपका सेम दोनों एड्रेस है यहाँ पे देख सकते हैं रेसेंटल एड्रेस यहाँ से पूछा, अगर सेम है तो सिंपली यहाँ पे सेम एज वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सारा डिटेल्स को फिल करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। चलिए फ्रेंड मैं आपको सारा डिटेल्स फिल करके आगे दिखाता हूँ। इस तरह से फ्रेंड सारा डिटेल्स को फिल करेंगे, सिंपली यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपका सारा चीज यहाँ पे सेव हो जाता है। फ्रेंड स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, वापस से फ्रेंड आपको यहाँ पे प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू करके फ्रेंड सभी चीज को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, आपका सारा चीज सही है फ्रेंड तो इसको क्लोज कर देंगे, नहीं तो फ्रेंड आपको यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, सबमिट वाले ऑप्शन में फ्रेंड जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपको यहाँ से जो कि एजुकेशनल डिटेल्स बताना होता है एक्स्ट्रा फ्रेंड। अगर आपने कोई अगर अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ITI या अदर कुछ है तो आपको यहाँ पे बताएंगे फ्रेंड, जैसा कि मैंने फ्रेंड बताया आपको कि इस कैंडिडेट का जो कि मैंने मैट्रिक लेवल से भरा था तो इसका जो है कि इंटर अभी चल रहा है या इंटर हो चुका है तो आप सिंपली यहाँ पे 12 बता देंगे। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे तीन जो कि प्रेफरेंस देना है कि आपका जो कि आप जैसे KYP के लिए अप्लाई करते हैं वेरिफिकेशन करने के बाद आपको कहाँ पे किस सेंटर पे आपको एडमिशन लेना है, तो आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंड आपका नियरेस्ट फ्रेंड आपका क्या ब्लॉक आता है फ्रेंड आप अपने ब्लॉक के अकॉर्डिंग फ्रेंड यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद फ्रेंड सेकेंड आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, फिर सेकेंड आपको यहाँ पे जो है कि आपको अपना नियरेस्ट जो भी ब्लॉक आपको आता है वो चूज करना है, फिर थर्ड में भी फ्रेंड आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और आपका नियरेस्ट फ्रेंड जो भी ब्लॉक आता है उसको चूज करेंगे फ्रेंड। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ से फ्रेंड डिक्लेरेशन देंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से फ्रेंड अपना सारा डिटेल्स को फ्रेंड फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके के लिए पूछा जाएगा फ्रेंड, क्योंकि इसके बाद फ्रेंड कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, सिंपली ओके कर देंगे। यहाँ पे फ्रेंड आपको प्लीज वेट के लिए दिखाने के लिए मिलता है, थोड़ा सा फ्रेंड आपको वेट करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको जो कि जैसे आप ओके कर देते हैं आपके ईमेल आईडी भी फ्रेंड आपको जो कि PDF फाइल में आपको सारा चीज जो कि इसका रिसीविंग मेंशन होकर चले जाता है फ्रेंड, मैसेज होकर चले जाते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे आपको यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड, यही मेन होता है आपको इसको कॉपी करके रखना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो कि कांग्रेचुलेशन यू आर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करके देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे फ्रेंड लिखा है कि जनरेट ईमेल नॉलेजमेंट, तो सिंपली फ्रेंड आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक
करेंगे फ्रेंड आपको ईमेल पे इसका पीडीएफ फाइल मैसेज होकर फ्रेंड आ जाएगा, देख सकते हैं। और इसका फ्रेंड वैलिडिटी यहाँ पे देख सकते हैं, इसका वैलिडिटी जो फ्रेंड होता है वो 30 दिन के लिए होता है। अगर आप 30 दिन के अंदर में किसी भी केवाईपी सेंटर में जाके इस फॉर्म को फ्रेंड जैसे आपने फिल किया, इसका अप्लाई करने के बाद आप डीआरसीसी जाते हैं वेरिफिकेशन करवाने के बाद, अगर आप 30 दिन के अंदर में अगर आप जो कि केवाईपी भी कोई भी केवाईपी सेंटर में एडमिशन नहीं लेते फ्रेंड ये चीज आपका जो कि फिर आपका एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा फ्रेंड, तो आपको इसका मान्यता नहीं होगा, उसके बाद फिर से आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देख सकते फ्रेंड आपको यहाँ पे फ्रेंड देख सकते पीडीएफ फाइल देखने के लिए मिलता है, बट फ्रेंड अभी क्लिक करेंगे यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आपको फ्रेंड क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से लॉग आउट हो जाना है, लॉग आउट होगी फिर वापस से लॉग इन होंगे। लॉग आउट होने के बाद फ्रेंड देख सकते आपको यहाँ से वापस ईमेल आईडी पासवर्ड जो आपने बनाया है फ्रेंड नया वाला वो डालना है, उसके बाद कैप्चा फिल करना है, लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद फ्रेंड देख सकते यू हैव जो कि सक्सेसफुली अप्लाई यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड स्टेटस में, आपको यहीं पे कैंडिडेट का नाम और अब जाकर के फ्रेंड आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड पीडीएफ फाइल और एप्लीकेशन पीडीएफ आपको देखने के लिए मिलता है। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे आपको फ्रेंड रिसीविंग यहाँ से मिल जाएगा, आपको फ्रेंड ईमेल पे तो चले ही जाता है, आप यहाँ से भी रिसीविंग को निकाल के देख सकते फ्रेंड। इस तरह से आपको 3 पेज का देखने के लिए मिलता है। सिंपली फ्रेंड इसको लेके जाना है, इसके साथ में आपको एक फोटो अटैच करना है और इसके साथ में जो भी फ्रेंड आपको मैट्रिक लेवल से भरी तो आपको जाति आय निवास और मैट्रिक का सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल पासबुक आधार कार्ड सारा चीज आपको लेके अपने डीआरसीसी में फ्रेंड आपको जो कि विजिट करना है फ्रेंड। तो आप ये चीज को फ्रेंड इसमें फ्रेंड सारा चीज लिखा हुआ भी, आप चाहे तो इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट मैंने फ्रेंड आपको अपने अकॉर्डिंग आपको क्लियर कर दिया सारा चीज। आई होप कि फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा, फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल भी फ्रेंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फ्रेंड मेरे चैनल पे आपको हर दिन एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मिलता है, इसलिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।